हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग हैं चकराता में, और लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था चकराता का मार्केट। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी हम लोग मार्केट से निकल करके जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तो वो आपको आगे जाकर बताती हूँ मैं। सो चकराता का छोटू सा मार्केट घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं चिलमरी नेक के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, एंड ज्वाइन कर लीजिए हमें इस वर्चुअल टूर में। जाने के लिए आप ये रेड कलर का जो कुछ हाउस टाइप है, रेस्टोरेंट है, क्या है वो, एज एन लैंडमार्क रख सकते हैं। और इसके थोड़ा सा आगे 100 मीटर जाने के बाद ही चिलमनी लेक का जो एंट्री पॉइंट है वो आ जाता है। वहाँ से पार्किंग के लिए रिसिट लेनी पड़ती है, उसी के बाद गाड़ी अंदर जाती है। ये इस टाइप से छोटा सा पार्क टाइप से यहाँ पर बना हुआ है, एंड हमको लेनी रहेगी रिसिट। ये है रास्ता ऊपर जाने का, यहाँ पर लिखा हुआ है सनराइज व्यू पॉइंट एंड सनसेट व्यू पॉइंट। तो ये है चिलमिरी पीक जाने का रास्ता। देखिए रास्ता बहुत सुंदर है। कितना और होगा यहाँ से ऊपर? अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, 1 किलोमीटर नहीं है, थैंक यू। तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, पास में ही है, 800-900 मीटर के अराउंड है। तो पहुँच जाएंगे, फिर ऊपर जाके आपको दिखाते हैं नज़ारा। और अब यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी टुवर्ड्स चिलमिरी पीक, जिसे चिलमिरी नेक, चिलमिरी टॉप या फिर बर्ड वॉचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये जो प्लेस है ये मेन चकराता से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक फ्लैट ग्राउंड है जहाँ पर अगर आपके साथ कुछ एल्डरली पीपल हैं या फिर बच्चे हैं तो उन्हें ये प्लेस बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी डायरेक्टली ऊपर तक जा सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में सामने। ये प्लेस जो है चकराता की बहुत ही फेमस प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर पीक पर पहुँच करके आप चारों ओर देवदार के पेड़ देख सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे। और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से दिखाई देती हैं, जैसे बंदरपूंछ, रोहिणी, स्वर्ग पर्वतमाला, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। ऑल्सो चिलमिरी नेक जो है बर्ड वॉचिंग के लिए, बटरफ्लाई और इन बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो बर्ड वॉचिंग के लिए भी लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। चलिए आप दिखा देते हैं आपको इस पीक का एक पैनोरामिक व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और अब चलते हैं ऊपर की ओर, वहां भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहां पर क्या है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर की ओर एक्सप्लोर करने, और हवा एकदम सनसनाती हुई सामने से आ रही है। चलो चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, वहाँ कुछ लद्दाखी फ्लैग्स टाइप लगे हुए हैं। And the view is here. It's awesome. बहुत प्यारे से flags लगाए हुए हैं, एक बहुत बड़ा सा area है उसमें flags ही flags लगे हुए हैं। ये देखिए ये लोग आ रहे हैं, एंड ये देखिए आप लोग, wow. Thank you.
अब मैं आपको थोड़ा सा वैली व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ से वैली व्यू एकदम ओपन है, पूरा का पूरा सामने तक आप देख सकते हैं। आपकी नज़रें जहाँ तक जाती हैं आप पूरा वैली व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर व्यू इतना प्यारा है, लोकेशन इतनी अच्छी है, फ़ोटो खींचने के लिए टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है, तो मैं तो बहुत सारा हैप्पी। बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हुई हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और बस हम लोग जा रहे हैं अब नीचे की ओर। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। अभी हम लोग हैं चिलमेरी पीक पर, और आप देख रहे हैं ये कितना प्लेन सा एकदम इतना बड़ा सा एक ग्राउंड दिख रहा है। और अभी देख रहे हैं, अभी आप सन देख रहे हैं, और अभी हो रहा है टाइम 6 बजने वाले हैं, 5:55 हो रहे हैं, और सन जो सेट होगा वो अराउंड 6:41 का टाइम है, 6:40 अराउंड 7:15 तक। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सनसेट होने का। अभी तो सन सूर्य देवता इतने ऊपर है, थोड़ा सा नीचे जाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि आई जब सनसेट देखने हैं तो सनसेट देखकर ही जाएंगे और आपको भी सनसेट दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर हमारी रसोई भी खोल ली है, जो कि हम आजकल अपने साथ में ही लेकर के चलते हैं। क्या बना रहे हो तुम लोग? ओपीएन शेफ शानू। आज हम बना रहे हैं, ये टोपी है, टोपी है, हाँ। टोपी। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, मतलब पुलाव बोलते हैं, वेज बिरयानी बोलो, कुछ बोलो। और अभी खाने के लिए, सनसेट एंजॉय करने के लिए थोड़ी सी हम बना रहे हैं भेल। तो जो भी सामान है अभी अवेलेबल उसी के साथ बना रहे हैं। हमारी सारी जो भी सब्जियां हमारे पास थी, आलू प्याज हो, तो ये हम चिलमेरी पीक के टॉप पर हैं और बहुत घूम के आए हैं। सामने वो हमारा होम स्टे है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो जो ग्रीन टंकी है उसके पीछे एक छोटा सा होम स्टे दिख रहा है, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन है पीछे, उसके बगल में छोटा सा। अभी हम यहाँ पर खाएंगे रूम में ला करके। कौन से पीक बनाया आपने इसको? चिलमेरी पीक। अच्छा, चिलमेरी पीक पर, और वो आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे बनाया। लेकिन वहाँ पर हवा इतनी तेज हो रही थी, इतनी ज्यादा तेज हो रही थी, कि वहाँ पर गैस भी अच्छे से नहीं चल रही थी, और हम ऐसे कैसे राइस का कुकर उठा के ले आए, बट राइस हमें बने बनाए मिले। दिखाओ, ये देखो, ये राइस बन गए, और जो भेल बनाई थी ना वो भी हमने खा लिया यही खा करके। अब राइस खाने वाले हैं। तो शेफ शानू के फेल नहीं हुआ राइस बनाना, बिना सीटी के भी राइस बन गए। और आज का वीडियो और आज का दिन हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल किसी अच्छी सी लोकेशन पर। टिल देन, गुड बाय।